हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे BS6 बाइक के बारे में। जो कि अगर आपको BS6 बाइक का कोई भी साइलेंसर का साउंड नहीं बढ़िया लग रहा, तो आप उसका साउंड किस तरह चेंज करोगे। जो कि आप देख सकते हो, इसमें मैंने एक साइलेंसर में दो साउंड जैसे निकल रहा है, जो कि साइलेंसर आप देख सकते हो जो कि इसमें फिटिंग किया है। आपको किस तरह फिटिंग करना और इसका प्राइस कैसा है, उसका साउंड किस तरह आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको मैं बता दूँ। इस साइलेंसर के जो साउंड है, आप दो तरह चेंज कर सकते हो। जो दो तरह की इसके में साइलेंसर में साउंड निकलती है, जो कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और फिटिंग किस करना करनी है और कितना प्राइस है और उसका कैसा साउंड आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि आपको दिखा दूँ। यहाँ पर पल्सर है, यहाँ पर BS6 बाइक है। BS6 बाइक हो या BS4 हो, किसी भी बाइक में आप इस साइलेंसर को लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो कि यहाँ पर देख सकते हो, इसका नाम पढ़ सकते हो, ठीक है, जो कि इस कंपनी का साइलेंसर लिया है, ठीक है। तो आपको बता दूँ फिटिंग किस तरह करनी है इस साइलेंसर की। पहले आपको बता दूँ, यहाँ पर दो नट आपको देखने को मिलेंगे साइलेंसर के, जो कि आपको ओपन करने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो साइलेंसर को आपको क्या करना होगा। यहाँ साइलेंसर के आपको पूरा ओपन करना होगा। ओपन करने से पहले आपको यहाँ पर 12 नंबर के आपको नट देखने को मिलेंगे साइलेंसर को, जो कि इसको ओपन करके आपको साइलेंसर को ओपन करना होगा। और साइलेंसर को बाहर निकाल कर आपको क्या करना होगा, जो कि यहाँ साइलेंसर से आपको काफ़ी चीज़ें ओपन करनी होंगी साइलेंसर जब निकालोगे तब। तो साइलेंसर को निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, साइलेंसर को आपस में रखना होगा, जिससे कि आपकी साइलेंसर की जो लेंथ है उसको जहाँ से आपको काटना है उसको अच्छी तरह से आपको मिलाना है। जहाँ से मैंने जो काटा हुआ है, यहाँ से आप कटर की मदद किसी से काट सकते हो। काटने के बाद यहाँ पर आपको अच्छी तरह से मिलाना होगा, जो कि यहाँ पर आप एल के और एक पत्ती आपको इसमें देखने को मिलेगी, जो कि आप इसमें फिटिंग कर पहले आपको इसको लगा लेना, फिर इसको जो कि साइलेंसर को वहाँ से काटना, वहाँ से आपको निशान लगा लेना है। यहाँ पर देख सकते हो, जिससे कि आपकी जो वेल्डिंग है बढ़िया करके हो जाए प्रॉपर, जो कि आपका साइलेंसर में कोई दिक्कत ना आए फिटिंग करने में। तो आपको पहले इसको बढ़िया करके नाप लेना, फिर इसको काटना, फिर इसके ऊपर वेल्डिंग कर लेनी है, जो कि मैंने की। और जो आपको पत्ती दिखा रहा हूँ, जो पत्ती इसके साथ आपको देखने को मिलेगी, और अच्छी तरह से वेल्डिंग कर लेना है। वेल्डिंग करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ इसका साउंड किस तरह का। और आप पहले आपको बता दूँ, यहाँ पर दो साउंड लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखा दूँ। दो तरह का साइलेंसर है, जो कि यहाँ से क्या करना होगा, अगर आपको ये साउंड जो साइलेंसर में लगेंगे दो पत्ती इसके बाद भी साउंड आपको बढ़िया नहीं लग रहा, तो आपको क्या करना होगा, इस पत्ती को निकाल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पत्ती लगी हुई है, जो कि एक साइलेंसर के तरह से। यहाँ पर एलकी का नट लगा हुआ है, इसको निकाल कर आप उसको बाहर निकाल के इसका साउंड और बढ़िया कर सकते हो। दोनों पत्ती आप बाहर निकाल के और बढ़िया साइलेंसर का साउंड हो जाता है। जो कि अब मैं इसका साउंड आपको सुनाता हूँ, किस तरह का साउंड इस बाइक का हुआ है, जो कि अब मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। साउंड किस तरह का लगा, प्लीज़ वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं।